डिस्ट्रिक्ट के तमाम यूसीज़ के तमाम कारकुनान को यहाँ पे ईद मिलन के लिए यहाँ पे मदऊ किया गया था सदर कराची आफ्ताब सिद्दीकी जानिब से, और जिसका मकसद ये था कि तमाम लोगों से ईद का ईद इनके साथ सेलिब्रेट करना अपनी तंजीम के साथ। पीटीआई एक फैमिली नुमा है, हम सारे एक फैमिली का हिस्सा हैं, और इसीलिए हम ईद का जो तीसरा दिन होता है ये हमारी रवायत रही है कराची में, और हर दफ़ा इसी तरह ईद हम सेलिब्रेट करते हैं आपस में तमाम लोग, जितने भी कराची के MNAs MPs हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें, तमाम लोग बराबर होकर एक दूसरे से ईद मिलते हैं, और बड़ा अच्छा कल्चर है ये, इसको जारी और सादी रहना चाहिए। और अप्रिशिएट करते हैं कराची के सदर को मोहतरम आफ्ताब सिद्दीकी साहब को कि उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हौसला अफजाई होती है इससे कारकुनान की, और मौका मिलता है कारकुनान को क़यादत के करीब आने का। टीम में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो तो तंजीम का हिस्सा ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप तंजीम के ख़िलाफ़ जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर आपका हक़ नहीं बनता तंजीम के साथ काम करने का, और तंजीम का हक़ नहीं बनता कि उनको साथ लेके चलने का, क्योंकि आप अगर यहाँ पे MNA MPA या कोई टिकट लेने या किसी ज़ाती मफादात के लिए, तहरीक इंसाफ़ एक नज़रियाती तहरीक है, यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं और उन वो लोग यहाँ पे चल सकते हैं और उनका यहाँ पे मुस्तकबिल है, जो लोग जो बेलौस नज़रियाती सियासत पर यकीन करते हैं, जो मुफाद की MNA MPA टिकट और ये किसी किस्म की कोई समाजी शोहरत के लिए कोई लोग अगर इधर आते हैं तो तहरीक इंसाफ में उनकी कोई जगह नहीं है। और इसी सिलसिले में जो लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं या लड़ा है जिन्होंने पहले, उनको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा, और वो जबकि आज तहरीक इंसाफ के नहीं हुए तो कल अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो भी ये खड़े नहीं होंगे, जिस तरह पहले माजी में सिंध हाउस में हम देख चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट